सब्सक्राइब करें मेवात टाइम। उपायुक्त पंकज के निर्देश अनुसार तहसीलदार कवल सिंह यादव की अध्यक्षता में आज जिला सचिवालय के सभागार में नंबरदार सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए तहसीलदार ने सभी नंबरदारों से आह्वान किया कि वो अपने गांव में घटने वाली हर एक छोटी बड़ी घटना की रिपोर्ट जिला प्रशासन को दें और जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। आप अपनी अहमियत की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और गांव में जब भी कोई घटना हो जाती है तो उसकी सूचना प्रशासन को नहीं देते हैं। प्रशासन को वह सूचना पुलिस के माध्यम से मिलती है, यह आपकी ओर से गंभीर चूक है। तहसीलदार नूह ने जहां नंबरदारों को उनकी लापरवाही पर सख्त सुस्त सुनाई, वहीं नंबरदारों की मांगों को भी पूरा कराने का पूरा विश्वास दिलाया। सभी नंबरदारों से कहा गया कि उनके लिए जिला सचिवालय में आने पर कोई पार्किंग नहीं ली जाएगी, उनके लिए पार्किंग फ्री कराई जाएगी। हरियाणा सरकार की ओर से दी जाने वाली आयुष्मान भारत योजना मोबाइल की सुविधा का लाभ भी जल्द ही दिलाने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर नंबरदार जिला एसोसिएशन के प्रधान दिनेश नागपाल, कृष्ण नंबरदार जाकिर, हेमराज, आसू, फकरू, नौशाद सहित ब्लॉक के सभी नंबरदार मौजूद रहे। जो भी गांव में कोई घटना होती है तो उसकी सूचना नंबरदार देरी से देते हैं या नहीं देते, तो इसलिए उनको अवेयर किया गया है, उनसे अनुरोध किया गया है कि भाई वो हर घटना की सूचना तुरंत एक मिनट में प्रशासन को दे। नंबरदारों की मांगे लगभग काफ़ी जायज थी और उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। उपायुक्त मध्य से अनुरोध कर हमारी मांगे नंबरदारों की, पहले तो यहाँ पार्किंग की है समस्या। हम समाज के काम और प्रशासन के काम ही आते हैं, हम कड़ी हैं समाज के और प्रशासन के बीच के, तो हमारी पार्किंग फ्री होनी चाहिए। एक हमारी सीएम साहब ने घोषणा कर रखी थी मोबाइल की और आयुष्मान योजना में सभी नंबरदारों को लेने की, एक हमारी मांगे वो हैं। वो तहसीलदार साहब के माध्यम से हमने सीएम साहब को कराया कि वो हमें मोबाइल दिलवाए जाए। एस खान, मेवात टाइम्स, नूह, हरियाणा। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।